सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेक्नोडा हित को, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे। आज मैं आप लोगों को वन प्लस फाइव के बारे में बताने वाला हूँ। तो वन प्लस फाइव को कल लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इसे इंडिया में 22 जून को लॉन्च किया जाएगा। वन प्लस फाइव को कल लॉन्च कर दिया गया है, तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि हमें वन प्लस फाइव में क्या क्या स्पेस देखने को मिलेगा। तो जो लीक्स और रूमर सामने आई तो उसी के आधार पर दिया गया है, जो कि आपको पहले ही पता चल गया होगा हमें इस फ़ोन में क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा और इसमें हमें क्या क्या और एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। तो डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन एकदम आपको आईफोन 7 की तरह ही लगेगा, डिज़ाइन बिल्कुल ही आपको आईफोन 7 की तरह लगेगा और वन प्लस 3T की तरह भी थोड़ा थोड़ा आपको देखने को लगेगा। इसमें आपको मिलेगा 5.5 इंच का स्क्रीन साइज, ये एक एमोलेड स्क्रीन होने वाला है। इसमें आपको मिलेगा 2.45 GHz का प्रोसेसर, जो कि स्नैपड्रैगन 835 के ऊपर रन करने वाला है। 6 GB और 8 GB की रैम मिलने वाली है। 6 GB में आपको मिलेगा 64 GB और 8 GB मिलेगा आपको 128 GB। इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलेगा, वो डुअल रियर कैमरा, और 16 मेगापिक्सल का इसमें आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा। ये तीन इसमें आपको 3300 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि 10 चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ 5.0 दिया जाएगा। और अगर बात करें फिंगरप्रिंट सेंसर टाइम की, तो वहाँ पर देख रहा है 0.2 सेकेंड अनलॉकिंग के लिए दिया गया, तो बहुत अच्छी बात है। आपको काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स मिलने वाला है फिंगरप्रिंट में और फ़ोन भी काफ़ी फास्ट चार्ज होने वाला है। तो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है, आप देख ही सकते हैं। तो इस फ़ोन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, मतलब डिज़ाइन कुछ खास नहीं है इस फ़ोन का, जो कि आपको एक नया लुक आईफोन आईफोन की तरह ही इसमें आपको देखने को मिलेगा। आईफोन जो 7 है उसी की तरह से आपको इसमें डिज़ाइन किया गया है। तो कुछ यहाँ पर मेंशन की गई है आपके, काफ़ी स्लिम है का फ़ोन, देख सकते हैं आप यहाँ पर 7.25 mm दिया गया, मतलब काफ़ी स्लिम होने वाला है फ़ोन। और कुछ मेंशन की गई है कि इसमें आपको थोड़ा रैम की इम्प्रूवमेंट की गई है और इसमें आपको थोड़ा फास्ट होगा, जल्दी फ़ोन हैंग लेग नहीं करेगा, तो वही सब कुछ बेसिक चीज़ें लिखी गई है। तो ये फ़ोन इंडिया में कल लॉन्च होगा। और इसकी जो प्राइस की बात करें, जहाँ पर अभी यूएस में लॉन्च की गई है, तो वहाँ पर इसकी प्राइस रखी गई, जो कि 6 GB रैम की प्राइस रखी गई है $479, और जो कि 8 GB की प्राइस रखी गई है वो है $499। तो इंडिया में कब आती है, इंडिया में कल आएगी, तो कल देखते हैं कि इंडिया में किस प्राइस में लॉन्च करेगी। माना जा रहा है कि सेम प्राइस ही में लॉन्च करेगी, तो देखते हैं जैसे मुझे कोई अपडेट आता है इंडिया के बारे में क्या प्राइस है क्या स्पेस है ना, मैं आप लोगों को पूरा हैंड ऑन देने का पूरा कोशिश करूँगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली से ज़रा टेक वीडियोस लाता रहता हूँ और आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोज, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।